है एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं किचन में थोड़ी जल्दी आ गई थी और अभी शाम के 6:30 बजे है और मैंने मलाई निकाली थी तो उसका भी काम करना था और अभी आटा गूंथ रही हूँ। और हमारे यहाँ गुजराती में भाखरी और शाक बनता है सब्जी, सो उसके लिए भाखरी के लिए मैं आटा गूंथ रही हूँ और फिर सब्जी बनाऊंगी। सो मैंने आटे में जो नॉर्मल नमक और इसमें ऑयल ज़्यादा डालना होता है, सो और थोड़ा थिक आटा, कठिन आटा ही गूंथना होता है। और अभी मैं ऑनियन और पोटैटो की सब्जी बनाने वाली हूँ जो हमारे गुजराती में सबको बहुत पसंद है। कुछ नहीं मिला तो ये सब्जी और भाखरी बनानी बना ले तो सबको पसंद आ जाती है। और गाइस, एक टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, आप जब भी किचन में ऐसी एक डस्टबिन ज़रूर रखिए जो छोटी वाली होती है, जिससे आपको जो कूड़ा इकट्ठा होता है रोज़ का वो आप इसमें ही डाल दो और फिर एक दिन का कूड़ा आप डाल सकते हो डस्टबिन में। सो इससे आपके किचन भी क्लीन होगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी। और ये कूड़ा में जो प्लांट में उसमें डालते हो जिससे प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ होती है प्लांट की। और अभी ये दूसरी टिप्स है, जो मसालेदानी होती है उसमें बहुत सारा मसाला गिर जाता है और जल्दी ख़राब हो जाते हैं इसमें। सो मैंने क्या किया, इसको वॉश करके इसमें टिश्यू पेपर या रुमाल, आप क्लोथ रुमाल आता है वो आप इसमें रख सकते हो, जिससे आपको बार बार इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा, आपको ओनली इसका पेपर ही निकाल के दूसरा पेपर चेंज कर दो तो बार बार आपको वॉश नहीं करना पड़ेगा और अच्छे भी लगेगी। सो अभी मैं सब्जी रेडी कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने कुकर में तेल डाला था और जो बेसिक मसाले होते हैं राई, जीरा और हिंग का तड़का, और उसमें मैंने हल्दी डाल दी थी और ये सब्जी डाल दी है, ऑनियन और पोटैटो। सो गाइज, ये सब्जी खाने में बहुत अच्छे लगती है और सभी गुजराती लोग कोई भी सब्जी ना मिले तो ये सब्जी बना लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करना। और अभी इसमें मैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के लीड बंद कर दूंगी और फिर भाखरी बनाऊंगी। और गाइस, क्या है कि कल मेरे को मुझे व्रत करना है जीवंतिका का, तो मैं आज थोड़ा हैवी डिनर करूंगी जिससे मुझे कल पूरे दिन भूखा रहना है। तो मैं अभी से कल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो अभी सब्जी मैंने साइड में रख दी है और ये दूसरी साइड में भाखरी बना रही हूँ। आप देख सकते हो कैसे इसको बनाना होता है। सो पराठे की बजाय आप ऐसी भाखरी बना सकते हो जिससे इसमें ऑयल कम रहता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। सो और इससे आप सब्जी या दाल वगैरह के साथ खा सकते हो। और साइड में मैं मेरे लिए ज्वार का ज्वार की रोटी बनाने वाली हूँ। सो अभी मेरा वेट लॉस जर्नी चल रही है तो मैं ये इसमें भी थोड़ा बहुत ऑयल रहता है तो मैं बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी, मकई की रोटी वो सब खाती हूँ डिनर में। सो इससे वज़न कम बढ़ता है तो ऐसा करके मैं मेरा वेट लॉस में थोड़ा बहुत ध्यान रखती हूँ। सो गाइज, अभी सब्जी भी साइड में बन गई है और ये भाखरी बना रही हूँ। सो आप देख सकते हो बहुत अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी बनती है। और गाइज, आप इसको खिचड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, जिनको खिचड़ी पसंद है वो तो
खिचड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और अभी साइड में मैं ज्वार की मेरे लिए रोटी बना रही हूँ, जिसको हम रोटला बोलते हैं, सो वो मैं मेरे लिए बनाने वाली हूँ और खाने में बहुत मीठी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार तो। और ये मैं मिट्टी की तवी पे बनाने वाली हूँ, सो इसमें ओनली नमक डालना होता है और पानी से आटा गूंथ लेना होता है। और जिनको भी ऐसे हाथ में रोटी बनाने नहीं आती, वो ऐसे चकले पर ऐसे पॉलीथीन डाल के आप ऐसे बना सकते हो। आपको ऐसे हाथ से ऊपर ऊपर पीटना होता है और आप बना सकते हो। और गाइस, ये ज्वार की और मक्के की रोटी पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, तो इससे आटा बहुत थिक हो जाता है, सो हमें पानी बार बार लेना पड़ता है और थोड़ा बहुत आटा भी नरम रखना पड़ता है। सो आप देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप ऐसे करके बाजरे की और सभी के रोटी आप बना सकते हो। और गाइस, थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैंने जो चकले पर पहले से ही ऑयल वाली मैंने भाखरी बनाई, तो इससे चिपक रही थी पॉलीथीन, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, नहीं तो बहुत अच्छे से बनती है। और दूसरे दिन मेरा व्रत है, तो आज मैं थोड़ा अच्छे से खाना खा लूँगी। और ये व्रत है ना, बहुत मैंने वन साइड इसको पका लिया है और दूसरी साइड पकाऊंगी। और इसके साथ आप इसको घी लगा के आप खा सकते हो। और मैं हियान के लिए भी प्लेट रेडी कर रही हूँ और वो नॉर्मल ही खाना खा लेता है, इसके लिए कुछ भी अलग नहीं करना पड़ता है। उसको रोटी और सब्जी वगैरह बहुत पसंद है, तो खिचड़ी पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही सब्जी रोटी उसमें थोड़ा बहुत घी ज़्यादा लगा के खिला देती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेता है। और दूसरे दिन मेरा व्रत है, तो मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है, सो मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। और गाइस, ये व्रत तो मैं जिनके बच्चे होते वो इस व्रत को कर सकते, जो बच्चे की लंबी आयु के लिए और उसके भविष्य अच्छा बने और दीर्घायु हो और सेहत अच्छी हो, इसके लिए ये व्रत सभी औरतें करती है जिनके बच्चे होते हो। और गाइस, आप देख सकते हो ये मैंने ज्वार की रोटी पका ली थी और ये दूसरे दिन का वीडियो है जो जिस दिन मेरा व्रत था। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ और उस दिन आपको लाल कपड़े पहनने होते हैं, जो और सोने की सभी ज्वेलरी जो होती है वो आपको निकाल देनी होती है, क्योंकि इस दिन आपको पीला रंग बिल्कुल पहनना नहीं है, गोल्ड बिल्कुल पहनना नहीं है और आपको रेड कलर यानी कि लाल कलर ही पहनना है। और अच्छे से तैयार होके आपको पूजा करनी है माँ जीवंतिका की, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और हियान अभी सो रहा है, तो मैं जल्दी से आज उठी थी और मॉर्निंग में जल्दी से उठकर इसकी पूजा करनी होती है। तो आप देख सकते हो मेरे पास माता रानी की फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने साथिया बनाया है। और अभी जो चावल की ये मैं बना रही हूँ, 5 डगलियाँ बनानी होती है और उस पर मैं कलश रखूँगी और 5 बाती का दिया करना है, तो वो करूँगी। और ये मैंने फूल रखे हैं और साइड भी मशीन भी चल रही है, तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ उसकी भी आ रही होगी, सो इग्नोर करना। और गाइज, इससे आप के बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, आप माता रानी के पास अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए मांग सकते हो।
और ये 5 बाती का दिया करना है, और आपको माता रानी की भोग चढ़ाना है, उसकी वार्ता पढ़नी है और दिया करना है, और पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है। भोग में भी आपको जो शीरा बनाना होता है वही दोपहर में आपको खाना होता है, और मैं इसकी पूजा करके फिर माता रानी का भोग बनाऊंगी। और अभी मैंने हाथ में अभी इसकी माता रानी की जो कथा होती है वो पढ़नी है, और आपको प्रे करना है अपने बच्चे के लिए। और क्या होता है कि इस व्रत में आपको पीले रंग के मंडप के नीचे और या कोई भी नदी पार नहीं करनी है। सो अभी मैंने पूजा कर ली थी, और हियान के लिए और मेरे लिए मैं दूध बना रही हूँ, और फिर बाद में थोड़ा बहुत काम करूँगी। और हियान अभी सो रहा है, आप देख सकते हो। सो ये रात को बहुत लेट सोता है, तो मैं इसको देर से उठा दी हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और वीडियो भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अभी मैं सुकून से ये चाय पी रही हूँ। आज चाय के साथ कुछ भी खाना नहीं है। आप इसके साथ तो फरार कर सकते हो। और अभी मैं भूख के लिए ये प्रसाद बना रही हूँ। मैंने बड़ा वाला जो गेहूँ का आटा आता है उससे मुझे प्रसाद बनाना है, तो मैंने वो डाला है, और इसमें घी डालनी है। और जब भी ये अच्छे से घी में पक जाए, फिर बाद में हमें इसमें पानी डाल के शक्कर डालनी है गाइस, जिसमें गुड़ नहीं डालना, क्योंकि गुड़ भी पीला होता है। तो पीले से आपको बिल्कुल परहेज करना है, पीले कपड़े नहीं पहनने हैं, पीले रंग को टच नहीं करना है, पीले मंडप के नीचे नहीं जाना है, और पूरे दिन आपको माता रानी की भक्ति करनी है, और मन में माता रानी का ही जाप करना होता है, और अपने बच्चे के भविष्य के लिए और प्रार्थना करनी है। और आपसे कई भी दिन में थोड़ी बहुत भी जो भूल हो जाए तो आप माता रानी से प्रे कर सकते हो। और मैं और हियांग दोनों माता रानी को भोग चढ़ा रहे हैं। माता रानी को भोग चढ़ा के फिर इसको आप प्रसादी के तौर पे सबको दे सकते हो, और फिर बाद में आपको इसको खाना है, और फिर पूरे फ्रूट वगैरह आप खा सकते हो, और पीला फ्रूट बिल्कुल खाना नहीं है। गाइज, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, बाय बाय।